मारूफ मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट और ब्यूटी ब्रांड्स के मालिक नबीला मकसूद ने पहली बार बताया है कि घर के एक छोटे से कमरे से सैलून शुरू करने के बाद वो ब्रांड कैसे बनी और मुल्क भर में उन्होंने किस तरह अपने सैलून खोले। अपने एक हालिया इंटरव्यू में नबीला मकसूद ने बताया कि उन्होंने कम उम्र में यानी महज 18 साल की उम्र में शादी की थी और 21 साल से कबल वो एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। उनके मुताबिक कम उम्र और शादी के बाद भी उन्होंने जहन में सोच रखा था कि वो कुछ न कुछ करेंगी, लेकिन उन्हें किसी चीज का इल्म नहीं था कि वो क्या करेंगी। नबीला मकसूद का कहना था कि उन्हें शुरू से ही मेकअप करने, बाल सजाने और स्टाइल करने का शौक था, जो शादी के बाद भी जारी रहा। और पहले बच्चे की पैदाइश के बाद जब वो कराची की पारसी कॉलोनी में बेटे की वैक्सीनेशन करवाने गई तो वहाँ एक वैक्सीनेटर खातून ने उनके छोटे स्टाइलिश बाल देखकर उनसे सवालात करना शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेटर खातून ने ही उन्हें मशवरा दिया कि वो सैलून खोलें और अगर उन्हें अच्छी तरह बाल बनाने नहीं आते तो पहले कोर्स करें और फिर काम शुरू करें। नबीला मकसूद के मुताबिक उन्होंने खातून को बताया कि बालों के स्टाइल और कटिंग के कोर्स बैरून मुल्क होते हैं और वो बच्चे छोड़कर नहीं जा सकती, जिस पर वैक्सीनेटर खातून ने उन्हें सख्त जुमले कहे कि बच्चों को यही छोड़ जाओ, वो मर नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया कि बाद हजा उन्होंने शोहर, ससुरालियों और बहन समेत दीगर अफराद से मशवरा किया और अपने जेवरात बेचकर कोर्स करने बैरून मुल्क रवाना हुई और उन्होंने पहले ही मनसूबा बनाया था कि वापसी पर वो घर के एक कमरे में सैलून खोलेंगी। नबीला का कहना था कि कोर्स करके आने के बाद उन्होंने घर के बाहर के छोटे कमरे में सैलून खोला और उन्होंने पहली कटिंग की फीस महज 75 रुपए लेना शुरू की और उन्होंने 39 साल कबल पहला सैलून खोला था। उन्होंने बताया कि इब्तदाई 3 साल तक उन्होंने घर में ही सैलून चलाया। सैलून में उनके बच्चों के रोने की आवाजें भी आती थी, घर में जो कुछ हो रहा होता था उसका भी पता चलता था। बाद ऐसा उन्होंने किराए पर जगह लेकर सैलून दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। नबीला के मुताबिक आने वाले सालों में उन्होंने अपना सैलून मजीद बड़ी और कशादा जगह पर बनाया और अब वो अपने सैलून की 40वीं सालगिरह मनाने की तैयारी में मसरूफ हैं। उन्होंने बताया कि इस वक्त उनके पाकिस्तान भर में अगरचे 10 सैलून हैं, लेकिन उनकी तादाद मजीद बढ़ाई जाएगी और अब वो सिर्फ सैलून का काम नहीं करती बल्कि स्टाइलिस्ट में बतौर ब्यूटी ब्रांड्स भी आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने मुतअद्दिद ब्यूटी मसनूआत मुतारिफ करवा रखी हैं जिनमें उनके बेटे भी साथ देते हैं। नबीला मकसूद के मुताबिक उनके दो बेटे हैं और बहू भी उनके कारोबार में उनका हाथ बिटाती हैं, जबकि उनके शोहर ने उन्हें करियर को आगे बढ़ाने में मदद की। वो उनकी मदद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती थी। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।